दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हर किसी को अपने जीवन में एक साथी की जरूरत महसूस होती है, ताकि उसके साथ अपने सुख दुख बांट सकें और उसके साथ अपनी कुछ इच्छाएं, आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी कर सकें। इसीलिए जीवन साथी का चुनाव करते समय किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी या लालच, आकर्षण या दबाव में आकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आपको एक लंबा जीवन व्यतीत करना है, यदि उससे आपके विचार मेल नहीं खाते, आप दोनों की पसंद नापसंद में बहुत अंतर होता है, आप दोनों की सूझबूझ और कार्य करने की शैली अलग अलग होती है, तो आपके पास कितनी ही भौतिक सुख सुविधाएं क्यों ना हो, सभी तरह के ऐसे आराम के सारे संसाधन क्यों ना उपलब्ध हों, फिर भी आप सुखी और खुशी नहीं रह सकते। चलो बताते हैं कि आपको कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों एक जीवन साथी के रूप में सबसे पहले एक सभ्य और सुशील संस्कारी लड़की सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब कोई पुरुष एक संस्कारहीन या गलत लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेता है तो उसकी जिंदगी नरक बनते देर नहीं लगती। सेकंड नंबर, दोस्तों एक लड़की भले ही रंग रूप और शक्ल सूरत में कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, किंतु उसका आंतरिक मन भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि सुंदरता तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी की तरह रहती है, तो क्या मात्र आप सुंदरता के लिए अपना पूरा जीवन अंधकार में बिताना पसंद करेंगे। थर्ड नंबर, दोस्तों ऐसी लड़की जो किसी दूसरे या पर पुरुष के साथ प्यार में लिप्त होती है, क्योंकि ऐसी लड़की आपको अपने जीवन साथी के रूप में दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। हो सकता है आपसे शादी करने के बाद भी वह अपने प्रेमी को ना भुला पाए और उससे मिलना जुलना और सब कुछ करना जारी रखे। इसीलिए एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो सिर्फ आपको प्रेम करे या आपसे प्रेम करती हो। फोर्थ नंबर, दोस्तों एक ऐसी लड़की जिसका चाल चलन, हाव भाव और स्वभाव अच्छा हो, उसी को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि ऐसी ऊपरी या शारीरिक सुंदरता वाली लड़की को अपनी जीवन साथी बनाकर आप क्या हासिल करेंगे जो 4 दिन बाद ही आपको धोखा देने लगे। 5 नंबर, दोस्तों एक ऐसी लड़की जो अच्छे बुरे का अंतर जानती है, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो उसे स्वीकार भी कर लेती है, क्योंकि ऐसी लड़कियों को अपना जीवन साथी बनाकर आप क्या हासिल करेंगे जो गलती करने के बाद भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होती। 6 नंबर, दोस्तों एक ऐसी लड़की जो उत्साही और एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आलसी लड़की से शादी कर लेने पर आपको न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 7 नंबर, दोस्तों एक ऐसी लड़की जो आपकी सहायक बन सके, महत्वाकांक्षी हो, रिश्ते के प्रति ईमानदार, जीवन को सार्थक रूप से जीने की चाह रखने वाली हो और घर परिवार के साथ मिलजुल कर रहने की सोच रखने वाली होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।